गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास थर्ड मैथ। मैथ में हमने आपके दो चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए थे। अब नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड चैप्टर, द रोमन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मीन्स नंबर। रोमन जो नंबर हैं वो अब हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यू ओपन योर नोटबुक एंड जस्ट मेंशन द डेट 16/7/2020, लेसन 3, रोमन न्यूमरल्स। ओके, राइट रोमन नंबर। न्यूमरल्स मीन्स रोमन नंबर, आप नंबर भी लिख सकते हो। फर्स्ट 1 to 20। ओके, अब आपको 1 से लेकर 10 तक आपको लर्न करना पड़ेगा। आप जब फर्स्ट क्लास में थे तो आप ऐसे लिखते थे, सेकंड में आए इस तरह से, थर्ड में ये होगा, फोर्थ में एक स्टैंडिंग लाइन और वी बनेगा, फिफ्थ में एक सिंगल वी रहेगा, सिक्स में हमारा वी और उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, सेवन्थ में वी और टू स्टैंडिंग लाइन, एट्थ में वी और थ्री स्टैंडिंग लाइन, नाइन में वन और एक्स का साइन बनेगा, टेन में सिंगल एक्स होगा, ठीक है। ये आपका मेन जो है ये आपको लर्न करने पड़ेगा, 1 to 10 आपको लर्न करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं 11 to 20। इट्स टू ईजी। 11 to 20 क्या होगा, 11 क्या होगा, 10 + 1 हमारा क्या होता है, 11 होता है। होता है कि नहीं होता है? 10 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो डेफिनेटली 11 होगा। तो 11, 10 का साइन हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, सिंगल एक्स आ रहा था ना, और 1 का साइन क्या था, ये था ना, तो एक्स और 1 आ गया। अब आ गया 12, 10 + 2, 10 में अगर 2 को हम प्लस करेंगे 12 होगा। तो 12 में 10 का हमारा साइन बनेगा एक्स, जो 10 में है, और 2 में हमारा क्या था, 2 स्टैंडिंग लाइन थी ना, तो 2 इस तरह से बनेंगे, ठीक है। वैसे ही हमारा 13 में जब हम आएंगे, 10 + 3 होगा 13, ओके। तो जब आपका 10 + 3 होगा तो 10 हमारा x हो गया, और 3 में कितनी लाइंस थी, 3 लाइंस ना, तो ये आपका रेडी हो गया, सेम एज इट इज़। अब आपको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही, इज एज इट इज़ ऐसे ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 + 4 = 14। 14 में क्या हुआ, हमने 10 का x लिखा, और 14 में कैसे साइन बना था, स्टैंडिंग लाइन थी एक और उसके बाद वी था ना, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो आपको नोटबुक में लिखना है, रोमन नंबर्स लिखने हैं, न्यूमरल्स 1 to 20, ओके। 20 में हमारा डबल एक्स आएगा। अब ऐसे ही देखिए, 15 में आपको यहाँ पे आप पूरा सॉल्व करोगे, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट बनाओगे, 10 + 5। अब 10 + 5 देखिए आया एक्स और वी, 10 + 6, तो यहाँ पर 10 का साइन सिंगल है ना एक्स, और 6 का साइन क्या है, और यहाँ पर देखिए 6 का साइन हमने क्या डाला है, सेम है ना, नाउ सेम 17। तो आपके क्या करना, 10 + 5, 10 + 6, 10 + 7, 17, तो 10 + 7, 5, 7, ओके, 10 + 8, 18, 10 + 8, यू कैन सी दैट 8 सेम है ना, 10 + 9, तो 19, तो 10 + 9 का साइन क्या था, अब देखिए सेम हमने डाला है। अब 20, सो डेफिनेटली 10 + 10, 10 + 10, 20 होगा, ओके, 10 + 10, 20। तो इसी को ही हमने टू टाइम नोट डाउन कर लिया, 10 और 10, 20। सो है ना इजी, इसको आपको कवर अप करना है, इसको अपनी नोटबुक में इसी तरह से हमको लिख कर रखना है, और आज की डेट जरूर मेंशन हो जी। सो हैव अ नाइस डे, बी सेफ।